हाँ डॉक्टर तनिष्का, आप जो यहाँ पढ़ते थे तो आपने हर तरह का सेक्रीफाइस किया, डिवोशन डेडिकेशन रखा, बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ रखा। क्या है कोटा में, कहाँ पर कोई पिक्चर हॉल है कि मॉल है, कुछ आपको मतलब नहीं, पूरा आपका एक ही टारगेट, एक ही गोल, पूरे अपने ट्रैक पर आपका जो आपका डेस्टिनेशन बस वही आपको नज़र आता था हमेशा। और आपने इतना अच्छा सेक्रीफाइस किया तो एक ऐसा रिज़ल्ट दिया जिसका एलन बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था, एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट आपने प्रोड्यूस किया, जहाँ पर अभी तक हमारा वो साइंस स्ट्रीम IIT हो या मेडिकल हो, कभी किसी बेटी ने टॉप नहीं किया, तो आपने वो टॉप करके एलन को एक बहुत बड़ा गिफ्ट के रूप में, अचीवमेंट के रूप में एक पहचान दी है। उसके बाद आप उस पहचान के साथ सबसे बड़ी पहचान जो मेडिकल इंस्टीट्यूट में है, न्यू दिल्ली एम्स गई, वहाँ का सफ़र कैसा लग रहा है, और आज उसका सेलिब्रेशन का जब टाइम आया, बाहर के माहौल ने अपने को परमिट किया, तो आपके उस गर्ल्स टॉपर के हिसाब से एक बेटी ने टॉप किया, इसलिए एलन ने उस उत्सव को एक महोत्सव के रूप में, एक त्यौहार के रूप में, यहाँ तक कह दो बचपन में सब लौट जाए एक मेले के रूप में मनाने के लिए आज ये सक्सेस कार्निवल रखा। यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है, तो तीन तरह के पड़ाव हैं, आपको सफ़र कैसा लग रहा है? सर जब शुरू में जैसे नीट का जो टाइम था तब आप मिले भी थे और आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था, तब उस टाइम ऐसा था कि सब लोग अपने में रहते थे, मतलब बैच में सब भी सब अपना पढ़ाई करते रहते थे, और मेरा भी ऐसा था, मैं भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी और मेरे दोस्त भी ज़्यादा नहीं थे। फिर उस टाइम सब डिवोटेड थे, डेडिकेटेड थे, क्योंकि सबको अपना फाइनल डेस्टिनेशन दिख रहा था कि हमें नीट में अच्छा करना है और उससे हमें अच्छा कॉलेज लेना है। तो उस टाइम काफ़ी था कि मतलब पढ़ाई काफ़ी थी बट स्ट्रेस तो कभी नहीं था, वो चीज़ एंजॉय हो रही थी और आराम से वही मतलब जो मोनोटोनस सी लाइफ थी थोड़ी, बट वो भी काफ़ी सही थी क्योंकि उस टाइम मतलब जैसे टेस्ट होते थे तो वो एज अ रिवॉर्ड सिस्टम होता था कि अच्छे से पढ़ के जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा, तो वो भी ओवरऑल ठीक मतलब अच्छा था वो टाइम भी। बट फिर जैसे रिजल्ट के बाद तो वो अलग एक यूफोरिक मोमेंट थी, मतलब जिस चीज़ के लिए 2 साल प्रिपेयर किया उस चीज़ ने फाइनली पे ऑफ किया, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। तब तो इंटरव्यूज़ वगैरह तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जैसे अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया जब फाइनली एम्स, तो वो चीज़ फाइनली जिसके लिए 2 साल पूरा प्रिपेयर किया था, फाइनली वो डेस्टिनेशन मिल गया। तो अभी जैसे कोचिंग के टाइम क्या होता है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना होता है, बट जब तुम कॉलेज चले जाते हो वहाँ पे पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, दोनों चीज़ लाइफ बैलेंस्ड होती है। और जैसे कोटा में कुछ लोग अकेले होते हैं तो हमें कभी कभी लोनलीनेस ऐसी टाइप की चीज़ें भी फील होती है, बट कॉलेज में तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारे वहाँ पे सब बैचमेट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो तुम्हें वो चीज़ भी फील नहीं होती। और फिर जैसे बात करूँ मैं आज के विक्ट्री कार्निवल की, तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब मैं लगभग 1-2 महीने बाद कोटा आई, तो फिर वही सब मुझे मेरे पुराने बैचमेट्स भी मिले, टीचर्स भी मिले, BM सर भी मिले, बाकी सब फैकल्टीज़ भी मिली, तो वो जो पहले कोटा वाला जो भी सब कुछ था वो सब दिमाग में रिवाइंड हुआ। और विक्ट्री सेलिब्रेशन हुआ तो बहुत अच्छा है, मतलब सब लोग काफ़ी खुश हैं और इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल सर ने बोला कि काफ़ी लोगों का चाइल्डहुड है वो चीज़ रिवाइंड कर रही है, तो विक्ट्री सेलिब्रेशन में भी बहुत अच्छा लगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि सबसे टॉप लेवल का जो न्यू दिल्ली एम्स है वो बहुत बच्चों का ख्वाब होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वहाँ की लाइफ कैसे चल रही है न्यू दिल्ली एम्स की? सर वहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब जैसे क्लासेस होती है तो फिर उसमें से DH मतलब एनाटमी पे ज़्यादा फोकस रहता है, वहाँ पे भी मतलब एनाटमी की ज़्यादा क्लासेस होती है, तो जैसे क्लासेस हो जाती है 9 से 5, बीच में 1 घंटे का लंच होता है, उसके बाद हॉस्टल में जाके जैसे यहाँ तो ऐसा होता है कोटा में तो सब लोग अकेले अकेले अपने रूम से पढ़ते हैं, वहाँ पे ग्रुप स्टडी ज़्यादा होती है कि मतलब किसी को कुछ समझना है तो वो दूसरे को समझा सकता है। और जैसे अभी स्टार्टिंग में गए तो पार्टीज़ वगैरह, फ्रेशर्स वगैरह वो सब नहीं हुआ है। जैसे पल्स होता है जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज का फेस्ट होता है, वो भी होगा तो उस टाइम भी काफ़ी मज़ा आएगा, तो कॉलेज की लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी चल रही है। आपके एलन की पढ़ाई में तो पढ़ाई बहुत कसावट होती थी, छुट्टी नाम की चीज़ ही नहीं होती थी, अभी मेडिकल कॉलेज में क्लासेस छोड़ के आए हो या वहाँ पर कुछ छुट्टियाँ चल रही? सर हमारा अभी विंटर ब्रेक चल रहा है, मतलब 23 से 7 तक, तो अभी 15 दिन का ब्रेक मिल गया और अभी ऋषिकेश ट्रिप भी गई थी कुछ दिन पहले। और यहाँ पर ये मेले में आपने क्या क्या किया, क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा, बचपन को याद करके कैसा लगा, जरा वही बताइए,
क्योंकि ये वो टाइम है, वो ऐसा लम्हा है जब वापस अपने बचपन में लौट जाते हैं और बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। सर स्विंग्स वगैरह भी थी और मतलब खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था और जो सेलिब्रेशन था वो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक था, तो मतलब स्विंग्स वगैरह उन पे जाके तो सबका चाइल्डहुड वापस आ ही जाते, तो ओवरऑल मेला बहुत अच्छा था। नहीं, जैसे आपने पढ़ाई में सेलेबस में कुछ नहीं छोड़ा, ऐसे यहाँ पर आपने मेले में क्या क्या किया थोड़ा बताओ बच्चों को, क्योंकि आगे जो बच्चे आपके साथ जुड़कर अभी यहाँ पर इसको सुनेंगे देखेंगे और जो बच्चे आपके साथ प्रेरित होकर आपके वहाँ पर न्यू दिल्ली एम्स में एज ए जूनियर के रूप में आएंगे, उनको भी मालूम है कि आगे एलन अब जब आज ये शुरुआत कर चुका है, एक पहली बार ये मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था, ऐसा ख्वाब में नहीं कभी सोचा था कि ऐसा कभी होगा कि कोटा का दशहरा मैदान वो एलन के विजय समारोह के लिए एक आयोजन के रूप में यहाँ पर आज ये प्रोग्राम होगा, तो आगे बच्चों को फिर ऐसे ही आना है। अब इससे भी ज़्यादा और संख्या बढ़ेगी क्योंकि आप लोग उसके बिल्कुल फुटप्रिंट बना के जा रहे हैं, हो सकता है कि ये मेला भी हो और जो स्टेडियम है उसको भी हमें एक साथ यूज़ करना पड़े, सुबह यहाँ पे करना पड़े शाम को स्टेडियम में करना पड़े, तो उन बच्चों को बताएं कि भाई मेले में क्या क्या होता है ताकि जब कुछ करना हो तो एक दिन उसको पूरा बेस्ट करना है। आज आप पूरा एंजॉय बेस्ट कर रहे हैं, उस समय आपने सबको बिल्कुल सेक्रीफाइस करके पढ़ाई को बेस्ट किया था, तो एक वो मैसेज दो। दो साल में होता है कि तुम लोग मतलब बाहर की जो दुनिया उससे बिल्कुल कट हो जाते हो, तुम्हें नहीं पता होता तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, बट वो चीज़ तुम्हें फाइनली जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो वो चीज़ पे ऑफ करती है, तो आज का जो मतलब विक्ट्री सेलिब्रेशन था वो बिल्कुल वर्थ इट था, काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे और जब ये चीज़ हुई तो वो जो वेट था वो वर्थ इट लगा। मतलब यहाँ पे मैं आई तो फिर मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद वहाँ पे डांस वांस वगैरह भी था और स्विंग्स वगैरह भी थी और मतलब डिनर और ब्रेकफास्ट लंच और ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था, तो और मैं अपने पुराने दोस्तों से मिली, टीचर से मिली और तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा। तो आप ये लग रहा होगा कि जो भी किया है वो भूल नहीं सकते, पढ़ाई करी थी आइलैंड के ट्रैक पर तो उसमें पूरा सेक्रीफाइस करके जब आप टॉप लेवल के एम्स में गए तो वहाँ पढ़ाई का अलग ही आपको एंजॉय कर रहे होंगे और जो यहाँ पर आप इस समय मेले को एंजॉय कर रहे हैं पूरा हर तरह का, जो जो आप सोच नहीं सकते, मतलब हमने भी हमारे अभी तक के 34 साल के सफ़र में ऐसा विक्ट्री फंक्शन जिसको मेले का रूप दे दिया कभी नहीं किया। तो बच्चों के लास्ट में मैसेज दीजिए कि उनको राइट वर्क एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, हर चीज़ का सही वक्त होता है, उसका मैसेज दें क्योंकि बच्चे आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आप जैसा टॉपर इतना डाउन टू अर्थ, बच्चों ने बहुत कमेंट्स लिखे हैं और मैं चाहूँगा बच्चे जो इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अपने दीदी से अपने सीनियर से कमिटमेंट करें कि हम भी आपके तरह इस ट्रैक पर पूरा फोकस होकर चलेंगे और हमारा भी जो ड्रीम कॉलेज है वहाँ जाएंगे फिर पूरा एंजॉय करेंगे और विक्ट्री फंक्शन में तो फिर आराम से ऐसे मेले में पूरा घूमेंगे। जरा आप एक मैसेज दे दीजिए। जैसे सर ने बोला कि हर चीज़ का मतलब एक राइट टाइम होता है, कि अगर तुम 11th 12th में मस्ती करोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो उस चीज़ के लिए तुम्हें रिग्रेट होगा एक टाइम पर जाके, कि उस टाइम मैंने पढ़ा होता तो फिर अभी ये सब नहीं हो रहा होता, तो अगर तुम 11th 12th में मतलब मेरा मतलब ऐसा उस टाइम मुझे लगता था कि मैं घर भी नहीं जा पा रही, घर पे फंक्शंस हो रहे वहाँ पे भी नहीं जा पा रही, मतलब घर पे वो लोग मस्ती कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि बट फिर लगता था कि मतलब नीट तो करना ही है, वही अगर वो चीज़ नहीं हुई तो फिर मतलब जो मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो रह जाएगा, तो 11th 12th में मैंने पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ जो मुझे करना चाहिए था वो चीज़ मैंने करी, तो वो चीज़ आज मुझे पे ऑफ कर रही है, मैं कॉलेज में और एम्स चली, मतलब जो इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज और वर्ल्ड में भी उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, मैं वहाँ पे हूँ तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मैंने 11th 12th में वो चीज़ नहीं करी होती तो आज मेरा कुछ और होता, तो ये चीज़ है तुम अपना 100% मतलब बिना जो डिस्ट्रैक्शंस होती है सबके लिए होती है बट उस चीज़ को तुम्हें कॉम्बैट करना पड़ता है, मतलब जैसे बाकी लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपना जो तुम्हारा गोल है, अभी नीट आने वाला है मतलब डेट आ भी गई है, मई में होगा इस बार का नीट, तो बाकी जो चीज़ें जो तुम्हें डाइवर्ट कर सकती है डिस्ट्रैक्ट कर सकती है उन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, उनके लिए भी टाइम आएगा और जो तुम्हारा टीचर्स बोल रहे हैं उस चीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करो और डेडिकेशन के साथ और अपना 100% देके अपना जो जिस गोल को तुम यहाँ पे लेके कोटा आए थे उसको पूरा ही करके जाना है, और जब तुम्हारा गोल पूरा हो जाएगा तो जो सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलेगा वो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं डॉक्टर तनिष्का जो न्यू दिल्ली एम्स में है, जब कोटा आई तो बस ये ध्यान रखा मैं कोटा क्यों आई, वाई एम एट एलन इन कोटा, और उसका ध्यान रखा,
और उसके हिसाब से बस कहते हैं ना, मेहनत खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे। और जब अंदर इन्होंने अपना वास्तव में सपना देखा था खुद की खुली आंखों से, तो जब तक हकीकत में कन्वर्ट नहीं हुआ बाहर की दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं। बस एक ही चाहत जिसको हकीकत में कन्वर्ट करके ही पहचान बनाकर और टॉप लेवल की पहचान बनाकर आज यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए आई थी, वापस जा रही हैं। आज तुमको ऐसे मिलना हुआ, हम इनसे वादा करते हैं आपसे हम न्यू दिल्ली एम्स में आएंगे और वहाँ से बच्चों को और बताएंगे कि टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट कैसा है। आगे स्टे ट्यून, मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और अपना बस आज से जो कमिटमेंट कुछ भी हल्का सा डगमगा रहा था, वो संकल्प जो संकल्प दिख रहा था उसको बनाओ दृढ़ संकल्प, और फिर देखो कि आगे आपकी कामयाबी के बाद जो दरवाजे खुले हैं उसके आगे ज़िंदगी कितनी सुहानी है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।